ब्रजभूषण पर दर्ज दो एफआईआर में पहलवानों के गंभीर आरोप। सांस चेक करने के बहाने टी शर्ट उतारी। महिला खिलाड़ियों को गलत तरीके से छुआ। इलाज के बहाने शारीरिक संबंध बनाने की मांग। भारतीय कुश्ती संघ के निवर्तमान अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर दर्ज दोनों एफआईआर अब सामने आ गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें ब्रजभूषण और उनके सचिव विनोद तोमर मुख्य रूप से आरोपी हैं। बालिक पहलवानों का आरोप है कि ब्रजभूषण सिंह ने कथित रूप से कई बार छेड़छाड़ की, गलत तरीके से उन्हें छुआ, यहाँ तक कि सांस चेक करने के बहाने उनकी टी शर्ट भी उतार दी। एफआईआर के मुताबिक पहलवानों ने आरोप लगाया है कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने उनके पेट पर हाथ लगाया। संघ द्वारा चोटिल महिला खिलाड़ी का खर्चा उठाए जाने पर उनसे शारीरिक संबंध बनाए जाने की डिमांड की। जब इससे खिलाड़ी ने मना किया तो उनके साथ ट्रायल में भेदभाव किया गया। वहीं दूसरी एफआईआर के मुताबिक ब्रजभूषण शरण सिंह ने नाबालिग पहलवान को बहाने से अपने कमरे में बुलाया, जहां उसके साथ शोषण करने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह वो वहां से बच निकली। पहली एफआईआर आईपीसी की धारा 354, 354 डी, 354 ए और 34 के तहत दर्ज की गई है। इसमें ब्रजभूषण सिंह और WFI के सचिव विनोद तोमर का नाम है। एक पहलवान ने इस एफआईआर में आरोप लगाया है कि ब्रजभूषण सिंह ने एक अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप के दौरान होटल के रेस्टोरेंट में खाने की मेज पर उसे गलत तरह से छुआ। उनकी इस हरकत से वो गहरे सदमे में थी। उन्होंने शिकायत में ये भी बताया कि भारत में एक लीग के दौरान और फिर दो साल के दौरान दो अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में दिल्ली में महासंघ कार्यालय में उन्हें फिर से गलत तरीके से छुआ गया था। शिकायतकर्ता का दावा है कि पीएमओ में एक बैठक के दौरान उसने बार बार होने वाले यौन, शारीरिक, भावनात्मक और शारीरिक आघात के बारे में बात की है। शिकायतकर्ता का कहना है कि ब्रजभूषण सिंह ने एक अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप में पहली बार उनका यौन पीड़न किया था, जब उन्होंने कथित तौर पर उनकी टी शर्ट उतारी और उनकी सांस की जांच के बहाने गलत तरीके से छुआ। यहां तक कि ब्रजभूषण ने कथित तौर पर उनसे कहा कि महासंघ उनकी बीमारी के इलाज का खर्च उठाने को तैयार है, लेकिन वो उनके साथ शारीरिक संबंध बना ले। खिलाड़ी के मुताबिक वो WFI प्रमुख के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए गठित पैनल के सदस्यों के सामने कैमरे के सामने पेश हुई। इस दौरान रिकॉर्डिंग डिवाइस को बार बार बंद कर दिया गया था, जिससे उससे विश्वास हो गया कि उसके बयान के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। कई खिलाड़ियों ने ये भी बताया कि वो इन्हीं हरकतों की वजह से मानसिक रूप से परेशान हो गई थी, जिस कारण उनके लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं पर ध्यान केंद्रित करना और अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता का प्रदर्शन करना मुश्किल हो गया। वहीं पुलिस को दूसरी शिकायत नाबालिग खिलाड़ी के पिता ने दी, जिनकी शिकायत पर पॉक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज है। इसमें पिता ने घटना साल 2016 की बताई है। शिकायत के मुताबिक खिलाड़ी की वर्तमान उम्र 17 साल है। शिकायत में कहा गया है कि पहलवान ने जब भारत में एक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता तो ब्रजभूषण ने तस्वीर लेने के बहाने जबरदस्ती उसे अपनी ओर खींच लिया। उसे अपनी बाहों में इतनी कसकर पकड़ लिया कि वो हिल भी नहीं पाई। फिर जानबूझकर ब्रजभूषण अपना हाथ उसके कंधे के नीचे खिसकाने लगा। FIR में लिखा है कि ब्रजभूषण ने पहलवान से कहा कि तुम मुझे सपोर्ट करो और मैं तुम्हें सपोर्ट करता रहूंगा, बस टच में रहना। उस समय खिलाड़ी ने यही कहा था कि सर, मैं अपने बलबूते पर यहाँ तक आई हूँ, आगे भी मेहनत करके जाऊंगी। आरोप ये भी है कि ब्रजभूषण ने उस समय उसे चेतावनी दी कि एशियाई चैंपियनशिप के लिए ट्रायल जल्द ही होने वाले हैं, और चूंकि वो उसके साथ सहयोग नहीं कर रही थी, इसलिए उसे ट्रायल में नतीजे भुगतने होंगे। शिकायतकर्ता ने ये भी दावा किया है कि ब्रजभूषण ने नाबालिग खिलाड़ी को अपने कमरे में बुलाया और उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संपर्क बनाने की कोशिश की। जब वो कमरे से बाहर निकलने में सफल रही तो एशियाई चैंपियनशिप के लिए ट्रायल के दौरान उसके साथ भेदभाव किया गया। शिकायतकर्ता ने कहा कि मेरी बेटी 17 साल की एक युवा पहलवान है और अपने करियर की शुरुआत में है। वो आरोपी का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा सकी और इस तरह शिकायत नहीं कर सकी या फेडरेशन के साथ इन मुद्दों को नहीं उठा सकी। फेडरेशन पूरी तरह से आरोपी के नियंत्रण में है और उसके हुक्म के मुताबिक काम करती है। बहरहाल आपको बता दें कि भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पहलवान और खाप पंचायत लगातार आवाज उठा रहे हैं। मामले में पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं।
देश भर में जगह जगह खिलाड़ियों के समर्थन में पंचायतें, मीटिंग, फैसले हो रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि अब इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्य खबर। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।